हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर तरफ कपड़े कपड़े बिखरे पड़े हैं, तो गाइस आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग शिलोंग जा रहे हैं। और चलिए आपको दिखाती हूँ कि हमने पैकिंग जो की है वो किस तरह से रही हमारी पैकिंग। ये देखो, जहाँ देखो कपड़े ही कपड़े फैले हुए हैं। बस ये जो बॉक्स है, इसमें हमने सभी चूड़ियाँ वगैरह जो हैं मेरी, और शेड्स हैं जो, और ये सब डाला है। और गाइस, सबसे अच्छा तरीका आपको बताऊँ पैकिंग करने का क्या होता है, कि जो हम सामान पैक कर रहे हैं, जो बॉक्स में नंबरिंग लिखिए, उसके साथ में लिस्ट बनाइए। तो गाइस, ये देखो क्या गंद मचा हुआ है। हम लोग लगे हुए हैं बिल्कुल अपना पैकिंग करने में भाई साहब। और एक हमें फ़ायदा हो गया कि हमारा कुछ सामान था जो पहले से पैक्ड था, जैसे हमारे किचन के आइटम्स जैसे बर्तन वगैरह हैं, तो उसमें हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। पैकिंग करने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा क्योंकि कुछ पहले से हमारा पैक्ड था। और सबसे मेन बात क्या है कि हमें सबसे ज़्यादा टाइम लग रहा है अपने कपड़े पैक करने में। कपड़े इतने सारे हो रखे हैं कि सामान अगर कुछ देखे ना, सामान में सबसे ज़्यादा क्या है, कपड़े। और हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम सामान लेके जाएं, क्योंकि आज वहाँ शिलोंग जा रहे हैं, तो फिर 2 साल बाद फिर पोस्टिंग आ जाएगी कहीं और। तो इसमें क्या है कि सामान हम लोग ज़्यादा कैरी नहीं कर सकते। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम सामान हो और हम उसी में अपना टाइम स्पेंड करें। तो गाइस, चलो आपको दिखाती हूँ हम क्या खिलारा पर रखा है हम लोग। देखो बॉक्स, वहाँ देखो किचन में, कि यहाँ पर ये बॉक्स ही बॉक्स हैं पूरे। ये देखो, ये पूरे कपड़े हैं। और इसके अलावा एक बड़ा सा बॉक्स जो कि हमने अंदर मंजे के नीचे छुपा के रख दिया है, वो उसमें भी बहुत सारे कपड़े ही कपड़े हैं। बहुत बड़ा बॉक्स है वो। ये देखो, ये सामान जो है ये हमारा ऐसे ही था ऑलरेडी। इसमें भी जो सामान है वो ऑलरेडी ऐसे ही था। और नीचे हमारे 2 बॉक्स हैं बड़े बड़े, उसमें भी एज इट इज़ सामान रखा हुआ था। ये देखो, बुक्स तो इतनी सारी ले रही हूँ, पता नहीं पढ़ने का टाइम लगेगा कि नहीं। और क्या, पैकिंग तो मैं भी अच्छी कर लेती हूँ, वही बात है, कोई नाम नहीं होता अपना। तो मेरे हस्बैंड का क्या काम है, वो क्या बोलते हैं कि जो भी सामान डालना है ना, बस निकाल के रख दो बॉक्स में, मैं अपने आप पैक कर दूँगा। क्योंकि वो बहुत अच्छी पैकिंग करते हैं, और उनके साथ रहकर अब मुझे भी थोड़ी बहुत पैकिंग आ गई है करनी। और आप यकीन नहीं मानोगे गाइस, हाँ, इसमें जो हमारे सामान है ना, कुछ बॉक्सेस तो ऐसे हैं, जैसे फ्रिज का जो बॉक्स है वो हमने पिछले 15 साल से संभाल के रखा हुआ है। क्योंकि हमें पता है कि पोस्टिंग आनी है, हर 2-3 साल बाद हमें फिर जाना है, तो बॉक्स जो है हम ये अपने एज इट इज़ सेव करके रखते हैं। यहाँ पे सामान का ढेर जो है बढ़ता जा रहा है। पता है पैकिंग कैसे की जानी चाहिए, पैकिंग करने का भी एक तरीका रहता है। जैसे हमने सभी बॉक्स जो हैं उन पे लिखा है कि जिसमें टॉयज़ है उसमें टॉयज़ लिखे हैं, क्लॉथ्स है क्लॉथ्स लिखे हैं। और अगर आपको याद नहीं रहता है कि आपने किस चीज़ में क्या डाल दिया, तो बॉक्सेस लीजिए, उन पे नंबरिंग डालिए और उसी की लिस्ट बना दीजिए। जैसे जैसे लिस्ट बनाते रहेंगे आप, आपको पता चल जाएगा 1 नंबर बॉक्स में मैंने ये सामान डाला है, 2 नंबर बॉक्स में मैंने ये सामान डाला है। तो ये सबसे बेहतरीन तरीका होता है पैकिंग करने का। इसके साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे टॉयज़ का एक बॉक्स है या क्लॉथ्स का एक बॉक्स है, उसमें सिर्फ यही चीज़ डालिए, और वो डालने के बाद बॉक्स के ऊपर मेंशन कर दीजिए कि इसमें ये सामान है।
तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हम लोग करते आ रहे हैं तो हमें पता है। गाइस ना करते करते भी ना सामान इतना सारा हो गया है, अब हमने बड़े वाला जो ट्रक होता है वो वाला किया है, देखते हैं अब क्या होता है। ये हमारा बॉक्स है, ये जो दोनों बॉक्सेस, इसमें कुछ सामान पहले से ही था तो इसमें हमने सिर्फ सेट किया है ये। गाइस आप ऐसे ही जुड़े रहना ताकि आपको पता चले कि हम लोग कैसे हमने पैकिंग की, और आगे जो वीडियोस हैं मैं एज इट इज़ डालती रहूँगी, क्योंकि आपको पूरा जो मेरा सफ़र रहेगा, जैसे हम लोग जाएंगे शिलोंग, हम लोग कैसे पहुँचेंगे, तो वो सब आपको दिखाऊँगी। तो आप सिर्फ कनेक्टेड रहिए हमारे साथ और लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए हमारे वीडियोज़ को। मेरे हस्बैंड जो हैं बिल्कुल टेक्निकल बंदे हैं, ये बॉक्स नॉर्मल थे और इसके नीचे भी टायर लगा दिए इन्होंने, देख लो आप क्या काम करते रहते हैं। ये हमारा ऑलमोस्ट सामान पैक हो चुका है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना सामान हमने पैक कर लिया उसको एक रूम में इकट्ठा कर रहे हैं ताकि जो भी सामान हो वो एक जगह हो जाए। ये हमने जो क्लॉथ रैक था उसको हमने अलग कर लिया है, इसको एक अलग से बॉक्स में डालेंगे। और मेरे हस्बैंड जो हैं ये मल्टी टैलेंटेड पर्सन हैं, इनसे आप बिजली का कोई काम करवाइए, किसी तरह का कोई काम करवाइए, बिल्कुल आसानी से कर देंगे। देखो अब हम लोग इन्वर्टर जो साथ लेके जाने वाले हैं उसका कनेक्शन ये हटा रहे हैं ताकि हम लोग ईज़िली अपना इन्वर्टर बैटरी पैक कर सकें। सामान ऑलमोस्ट पैक हो चुका है गाइज, सिर्फ देर है कि ट्रक आए और हम लोग सामान लोड करें, और बस उसके बाद हम लोग जाएंगे बाय ट्रेन, राजधानी से हम लोग जाएंगे। ये देखो सारा सामान हम नीचे रख चुके हैं क्योंकि बाहर गाड़ी आ चुकी है लेने के लिए। ये अलमीरा देखो कितने अच्छे से पैक कर रहे हैं ना। ये हमारा जो फ्रिज है इसका कवर जो है ये 15 साल पुराना है, यकीन नहीं मानोगे आप। और ये है हमारा ट्रक, इसमें हो चुका है सामान लोड। See you in the next video.